फरवरी। क्या आपको पता है कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? अगर नहीं पता तो डोंट वरी, आई थिंक कि आपको बेसिक चीज़ों से बोलना शुरू करना चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं हैज, हैव और हैड का सही यूज़। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप वीडियो को आधा छोड़कर नहीं जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले हैज का यूज़ देखेंगे, ठीक है? हैज़ यूज होता है सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है ही के साथ, सी, एट, एंड किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि मैंने नाम लिया श्याम। और हैज़ का हिंदी मीनिंग होता है के पास है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में लिखा है के पास है, जैसे उसके पास कार है, तो के पास है आया एंड सिंगुलर नंबर है, तो हम यूज़ करेंगे हैज़, ठीक है? आगे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, सी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, ठीक है? बट आपको हिंदी मीनिंग को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना, बस आपको सिंगुलर और प्लूरल चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है? एंड अगला है हमारा ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है, ठीक है? नेक्स्ट है राम हैज़ अ डॉग, राम के पास एक कुत्ता है, ठीक है? नेक्स्ट काउ हैज़ फोर लेग्स, गाय के चार पैर होते हैं के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? और पास है के सेंस में, ठीक है? एक और है ही हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, उसके पास एक सुंदर बगीचा है। इस तरह से अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे तो आई थिंक कि आप बड़े सेंटेंसेस भी बना लेंगे। अभी हमने हैज का सिंपल यूज़ देखा था, बट हैज का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है? तो क्या चाहिए होता आपको? हैज चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। एग्जाम्पल्स देखिए, सी हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है। तो यहाँ पे देखिए हैज आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आया ना, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ऐसे ही। नेक्स्ट ही हैज़ कम, वह आ चुका है। राम हैज़ गोन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। द सन हैज़ राइजन, सूर्य निकल चुका है। तो चलिए और देखते हैं कि कहाँ पे इसका यूज होता है हैज का। इसका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको हैज़ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी देखने को मिलता है, जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। यहाँ पे आपको हैज़ बीन मिला, फिर वर्ब में आईएनजी, यानी कि रेन है तो रेन में आईएनजी रेनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, राम 3 बजे से खेल रहा है। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हैज का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे हैव को। तो हैव यूज होता है प्लूरल नंबर के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, इन चीज़ों के साथ हम हैव का यूज करते हैं। हैव का भी हिंदी मीनिंग के पास है ही होता है, हैज की तरह, बट कि प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है। अब चलिए इनके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। वी हैव सो मैनी फ्रेंड्स, हमारे बहुत से दोस्त हैं। यू हैव अ गुड चॉइस, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है? दे हैव नो एनी आइडिया, उनके पास कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे देखिए, मैंने यहाँ पर लिया आई, वी, यू, दे, इन्हीं चीज़ों के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव का। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज होता है टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे यहाँ सेंटेंस है आई हैव डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। यहाँ पे भी हैव का यूज हुआ है। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। यू हैव वन फर्स्ट प्राइज, तुम पहला प्राइज जीत चुके हो। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे भी हैव का यूज होता है। जैसे सिंगुलर के साथ हैज बीन का हो रहा था, वैसे प्लूरल के साथ हैव बीन हो जाएगा और वर्ब में आईएनजी। सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दे हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो हमने हैज और हैव का कंप्लीट यूज देख लिया है। तो अब हम देखेंगे हैड का यूज। हैड का यूज हम करते हैं था के सेंस में, जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। वी हैड अ न्यू प्लान, हमारे पास नया प्लान था। He had a big pencil, उसके पास एक बड़ी पेंसिल थी। I had not a car, मेरे पास एक कार नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंस में भी इजीली यूज कर सकते हैं, बस क्या करना है आपको had के बाद not लगा देना है। जैसे एक और सेंटेंस है She had not a book, has, have, had, तीनों में सबसे आसान यही होता है, क्योंकि हमें इसमें सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान नहीं देना होता है, हमें सभी के साथ had लगाना होता है। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल है
आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। सी हैड गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी। वी हैड प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेल चुके थे। एंड चलिए अब हम देखते हैं इसका यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल्स हैं, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा था। वी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से काम कर रहे थे। आई थिंक कि अब आपको हैज, हैव और हैड में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपके पास डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं आई हैव अ डाउट, एंड आपको किस टाइप की वीडियोज़ देखनी है ये भी कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।